वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दांत खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन को दूर करने का बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों दाँत खाज खुजली या जो चर्म रोग होता है दोस्तों इसके होने का बहुत कुछ कारण तो यह है कि हम ठीक तरह से साफ़ सफाई नहीं रखते हैं या फिर दाँत खाज खुजली जो होती है दोस्तों ज़्यादातर उस जगह पर होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है हवा कम लगती है या फिर ज़्यादा वहाँ पर नमी रहती है तो उसके कारण भी हमें ये चर्म रोग हो जाता है कोई डर वाली बात नहीं दोस्तों बहुत आसानी से आप इसे क्योर कर सकते हैं शायद आपने बहुत सारे इलाज भी कराए होंगे परंतु एक बार इस होम मेड रेमेडी को जरूर ट्राई करें दोस्तों आपको 100 परसेंट इससे फ़ायदा होगा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दोस्तों इन घरेलू चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर मैंने लिया है नीम की पत्ती आप सबको पता होगा दोस्तों नीम के पत्तों में बैक्टीरिया को मारने की शक्ति होती है एंटीसेप्टिक एंटी बैक्टीरियल व एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है नीम की पत्तियों में नीम के पत्तियों के रस में तो खैर ये पूरा पौधा ही पूरा पेड़ ही औषधि गुणों का भंडार है इसीलिए तो नीम को एक औषधि युक्त पौधा माना जाता है आयुर्वेद में नीम का बहुत ज़्यादा महत्व है बहुत सी दवाइयों में नीम का प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में साथ ही साथ आपने देखा होगा दोस्तों आजकल तो तरह तरह के साबुन तरह तरह के शैम्पू आते हैं तरह तरह की क्रीम आती है जिसमें लिखा रहता है नीम युक्त तो नीम का भरपूर प्रयोग किया जाता है सौंदर्य में उसके अलावा हमारे स्किन डिसीज़ के लिए भी नीम का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है इस रेमेडी का जब प्रयोग करेंगे ना दोस्तों तो पहले दिन से ही आपको असर दिखने लगेगा पैसे की भी बचत होगी दोस्तों समय की भी बचत होगी आप लोग बहुत ज़्यादा शायद डॉक्टर से भी इलाज करा चुके होंगे तो आप एक बार घर में इसे भी ट्राई कर सकते हैं बहुत ही आसान रेमेडी है ये तो नीम की मैंने कुछ पत्तियाँ ली हैं आपको क्या करना नीम की पत्तियों को धोने के बाद बढ़िया अच्छा इसे पीस लें तो बहुत ही ये आयुर्वेदिक तरीका है इसीलिए तो आयुर्वेद में इतना ज़्यादा नीम की निम्बोली का नीम के तने का नीम की पत्ती का रस का सभी का इस्तेमाल किया जाता है आजकल दवाइयों में तो मैंने भी यहाँ पर एक कटोरी के करीब इसकी पत्तियाँ ले ली है धो लिया है और अब इसे आपको ग्राइंड कर लेना है इसे पीसते समय आप चाहें तो थोड़ा सा साफ पानी भी ऐड कर सकते हैं और बढ़िया अच्छा इसका पेस्ट बना लें नीम का पेड़ तो आजकल जगह जगह लगा रहता है दोस्तों हमारे वातावरण को शुद्ध करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है पुराने समय के तो लोग ना दोस्तों एक नीम की कोमल पत्ती को जरूर खाते थे सुबह उठकर खाली पेट कोमल पत्ती को बड़ी पत्ती को नहीं छोटी सी कोमल पत्ती को तो फोड़े फुंसी चर्म रोग की तो डर ही नहीं होता था दोस्तों तो आप चाहे तो एक छोटी नीम की पत्ती सप्ताह में दो बार तो जरूर खा सकते हैं कोई डर की बात नहीं है थोड़ा कड़वा होता है पर अच्छे हेल्थ के लिए लिया जा सकता है तो नीम की पत्तियों को पीस लिया है ये देखिए मैंने थोड़ा पानी डाला है पानी डालकर ही इसका पेस्ट टाइप का बनाया है ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो यदि गाढ़ा गाढ़ा मोटा पेस्ट होगा ना दोस्तों तो आप परेशान हो जाएंगे लगाने में तो प्योर नीम की पत्तियों का ये जो रस है ना दोस्तों ये आपके दांत खाँच खुजली में यदि पस है फोड़े फुंसी उसमें छोटे छोटे फुंसी उग गई हैं सबको ठीक कर देगा आप इसे रोज लगाएं हो सके तो इसे आप रात को लगाएं रात को लगाएंगे ना दोस्तों तो एक फ़ायदा ये होगा कि ये रात भर लगा रहेगा और सुबह उठकर ही आपको आराम मिलेगा कि अरे वाह हमें इस जगह पर ना तो आज जलन हुई ना ही कोई खुजली हुई है बिल्कुल थोड़े ही दिन में आप देखेंगे आपको अंतर महसूस होगा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा दात खाद खुजली तो दोस्तों आप आसानी से इसे छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि एक बार ये ज्यादा फैल जाता है ना दोस्तों तो ठीक करने में ज्यादा समय लगता है ज्यादा कठिन हो जाता है आप लोग कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे परंतु जड़ से ये समाप्त नहीं हुआ होगा तो इस नुस्खे को आप लोग जरूर ट्राई करें अगली चीज़ दोस्तों जो कि आपको यहाँ पर लेना है वह है कपूर ये वही कपूर है दोस्तों जिसका इस्तेमाल हम लोग पूजा में करते हैं कपूर में एंटी इन्फ्लॉमेटरी प्रॉपर्टी होती है चर्म रोग को दूर करने की ताकत होती दोस्तों कपूर का प्रयोग तो हम लोग कई चीज़ों में करते हैं जिन लोगों के बहुत ज़्यादा बालों में रूसी है जू लीक है वे भी नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर बालों पर लगाए ना तो डेंड्रव की समस्या दूर होती है और साथ ही साथ जू लीक की समस्या या सिर में कोई इन्फेक्शन है तो वह भी दूर होता है सिर की त्वचा में यदि इन्फेक्शन है तो उसी तरह से कपूर जो होता है दाँत खाज खुजली को जड़ से समाप्त करता है दोबारा ये जो चर्म रोग है ना दोस्तों ये होने ही नहीं पाएगा इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है तो यहाँ पर मैंने कपूर की तीन चार गोलियाँ ले ली हैं ये देखिए इस तरह से स्क्वायर पीस में आता है गोल गोल जैसे गोलियाँ आती हैं ना टेबलेट के फॉर्म में भी ये आता है और थोड़ा सा आप इसे चम्मच से दबाएंगे ना तो तुरंत ही इसका पाउडर बन जाएगा बहुत ही सॉफ्ट होता है तो एक चम्मच आपको कपूर का पाउडर लेना है कपूर जो होता है दोस्तों एंटी इन्फ्लॉमेटरी प्रॉपर्टी होती है खासकर स्किन डिसीज़ को जल्दी ही ठीक करता है तो बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसके अलावा जब भी ऐसे दांत खास खुजली हो जाए दोस्तों और रेमेडी का प्रयोग करें तो थोड़ा खट्टी चीज़ों से ज़रूर परहेज करें इमली आंवला खट्टी चीज़ें गोलगप्पे का पानी ये सब चीज़ खाना थोड़ा सा कम कर दें इस समय बस और कुछ भी नहीं तो आप चाहें तो उस जगह को पहले अच्छे गर्म पानी से पोछ लें और फिर आप इसे अप्लाई करें रात भर लगा कर रखें दोस्तों आपको आराम मिलेगा हल्दी लिया दोस्तों हल्दी तो एंटीसेप्टिक होती है बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है हमारे खाने के स्वाद को खाने के रंग को तो बढ़ाती है इसके अलावा जो हमारा चर्म रोग है दांत खात खुजली की जो परेशानी है, दोस्तों उसे भी दूर करती है हल्दी हल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और हमारे स्किन के लिए खासकर इन बीमारियों को दूर करने के लिए दांत खात खुजली को जड़ से दूर करने के लिए एक रामबाण औषधि होती है हल्दी अब आपको क्या करना है नीम का पेस्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा बना कर रखा है आप देख सकते हैं दोस्तों आ, बाकी का आप अलग रख दें किसी भी बॉटल में भरकर स्टोर कर दें क्योंकि आपको इसे रोज़ लगाना है आप एक सप्ताह करके देखें आपको खुद को अंतर महसूस होगा पहले दूसरे दिन ही अंतर महसूस होगा तो बाकी नीम का जो लिक्विड बचा हुआ है दोस्तों जो पेस्ट बचा है उसे मैं अलग रख दूंगी मुझे अभी जितनी की ज़रूरत है जितना बना के बताना है उतना ही मैंने यहाँ लिया है चार चम्मच नीम का पेस्ट लिया है एक चम्मच कपूर का पाउडर लिया है साथ ही आपको डालना है इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर हल्दी कोशिश करें दोस्तों शुद्ध हो घर की पिसी हो घर की पिसी मतलब खड़ी हल्दी लेकर आएँ और चक्की में पिसवाएँ बहुत अच्छी होती है दोस्तों बाज़ार का पिसा हुआ पाउडर उतना प्योर नहीं होता है जितना कि हम लोग चक्की में पिसवा कर लाते हैं मैं हमेशा खड़ी हल्दी की गठाने लेकर आती हूँ फिर चक्की होती है आजकल तो मसाले की वहाँ पर आप खड़े खड़े होकर जाकर पिसवा लें तो शुद्ध हल्दी ज़्यादा अच्छी होती है खाने के लिए भी लगाने के लिए भी और हल्दी का इस्तेमाल तो बहुत पुराने समय से ही किया आता जा रहा है दोस्तों बस कपूर हल्दी और नीम की पत्तियों का पेस्ट आपको लेना है और जहाँ जहाँ दांत खाद खुजली वहाँ पर लगाएँ ये देखें इस तरह से आप उंगलियों की सहायता से लगाएँ कोई कॉटन बॉल ले लें रुई का फोहा ले लें रुई उसकी मदद से उस जगह पर लगाएं जहाँ पर आपको ये स्किन डिसीज हुई है और ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों ऐसा नहीं कि थोड़ा हुआ है ठीक हो जाएगा बिल्कुल सजग रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने शरीर के प्रति ताकि आप में भी कॉन्फिडेंस रहे क्योंकि ये बीमारी अच्छी नहीं होती है फैले ये अच्छी बात नहीं है तो तुरंत ही ध्यान रखें और ये घरेलू उपाय दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं ये ना सोचें ये तीनों चीज़ें जो बताइए आप खुद सोच के देखिएगा कि वाकई में ये पावरफुल चीज़ें हैं पुराने समय के लोग क्या करते थे इन्हीं घरेलू उपचार को किया करते थे तभी तो छोटी मोटी बीमारियां वे वैसे ही क्योर कर लेते थे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी तो इस पेस को आप बाकी नीम के रख दें और इसे जो हमने तैयार किया है हल्दी कपूर ये आपके दाँत खाद खुजली को मिनटों में समाप्त कर देगा इतना ज़्यादा फायदेमंद है तो कुछ दिन मतलब आप चार पांच दिन करें आपको खुद को अंतर महसूस होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें